एनीमिया का नाम दिया था। ठीक है, इट फ्लोर जेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि टेस्टिस को कवर कर रहा है, लेकिन पोस्टीरियरली ये पोस्टीरियर साइड है टेस्टिस की, पोस्टीरियरली ये कनेक्टिव टिश्यू थिकन हो जाता है, थिक होके मूव करता है इनवर्ड, और इसको हम उस वक्त उस टाइम पे हम इसको मीडियास्टाइनम टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं मीडियास्टाइनम टेस्टिस से क्या होता है, फाइब्रस सेप्टा जो होते हैं वो अराइज करते हैं और विद इन द सब्सटेंस पेनिट्रेट करते हैं, सब्सटेंस ऑफ द टेस्टिस में पेनिट्रेट करके टेस्टिस को पिरामिडल लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नाम दिया था। ठीक है, अब ये सारी जो है हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और हर लोब्यूल के अंदर हम लोगों के पास 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि ये विद इन होती है एज अ ब्लाइंड एंड, और हाईली टॉर्चर स्पोर्ट्स लेने के बाद ये एंड होती है एट द एपेक्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल, दिस वन इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल और ये इसकी एपेक्स है, एपेक्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल पे ये एंड होगी एज ए नैरो स्ट्रेट ट्यूब्यूल, और इस नैरो स्ट्रेट ट्यूब्यूल को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर रेक्टाई। ठीक है, बेसिकली ट्यूब्यूलर रेक्टाई क्या है, इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज ए नैरो स्ट्रेट ट्यूब्यूल, शॉर्ट होती है और कॉन्स्टिट्यूट द इनिशियल सेगमेंट ऑफ मेल जेनिटल ट्रैक्ट सिस्टम। ठीक है, अब ये नैरो स्ट्रेट ट्यूब्यूल जो होगी वो फर्दर कॉन्टिन्यू होगी इन ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग चैनल्स जो कि प्रेजेंट होंगे मीडियास्टाइनम टेस्टिस। अगर आप लोग देखो इस डायग्राम में तो ये जो ग्रूज का सारी जगह है ये मीडियास्टाइनम टेस्टिस है जो कि बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके अंदर आप लोगों को ट्यूब्यूलर चैनल्स मिल रहे हैं, दिस ट्यूब्यूलर चैनल्स आर नोन एज डेकी टेस्टिस। ट्यूब्यूलर रेक्टाई जो होंगी वो फर्दर कॉन्टिन्यू होंगी इंटू रिटी टेस्टिस, और ये रिटी टेस्टिस देन एट द पोस्टर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, दिस वन इज द पोस्टीरियर साइड, द पोस्टीरियर बॉर्डर है उसका सुपीरियर पार्ट, पोस्टर सुपीरियर जो सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस है, यहाँ पर ये रिटी टेस्टिस जो होंगी वो 15 to 20 डक्टुलाई इन्फ्रंटिस के थ्रू ज्वाइन करेंगी और ये फिर आगे से ओपन होगी इनटू द हेड ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, बेसिकली ये जेनिटल ट्रक्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। ट्यूब्यूलर रेक्टाई मैंने आप लोगों को बताया कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एट द एपेक्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, एपेक्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल से स्टार्ट हो रही है और बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, और इट विल बी स्टार्ट एट द एपेक्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल एज अ शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ठीक है, और सिंगल ट्यूब्यूल होगी तो हम ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कहेंगे, और अगर होगी ज़्यादा तो ट्यूब्यूलर रेक्टाई कहेंगे। अब अगर हम इसकी एपिथीलियम की बात करें तो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो लाइन होता है बाय स्टोटोली सेल्स। ठीक है, स्टोटोली सेल्स आप लोगों ने पढ़े थे, स्पोर्टिंग सेल्स हैं सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के, सो प्रॉक्सिमल पार्ट इज लाइन बाय स्टोटोली सेल्स, जबकि इसका डिस्टल पार्ट जो होता है उसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो होती है वो लाइन करती है। ठीक है, उसके बाद ट्यूब्यूलर रेक्टाई आप लोगों को मैंने बता दिया कॉन्टिन्यूएशन है सेमिफेरस ट्यूब्यूल की, शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, और प्रॉक्सिमल पार्ट इज लाइन बाय स्टोटोली सेल्स, वेयर एज द डिस्टल पार्ट जो होता सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल से लाइन किया होगा। नेक्स्ट वन इज द रिटी टेस्टिस। रिटी टेस्टिस मैंने आप लोगों को दिखाया कि रिटी टेस्टिस बेसिकली दिस वन इज द ट्यूब्यूलर रेक्टाई, उसके बाद ये जो नेटवर्क है चैनल्स का इनको हम रिटी टेस्टिस कहेंगे। ठीक है, ट्यूब्यूलर रेक्टाई बेसिकली कॉन्टिन्यू होकर इनटू रिटी टेस्टिस। तो रिटी टेस्टिस क्या है, एनेस्टमोसिस नेटवर्क है डेलिकेट इंटरकनेक्टिंग चैनल्स का, जो कि बेसिकली कहाँ पे पड़ा हुआ था, मीडियास्टाइनल टेस्टिस के कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, और इन चैनल्स को कौन से एपिथीलियम लाइन करती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। सो हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स अब तक पढ़े हैं जेनिटल डक्ट्स के, एक तो रिटी ट्यूब्यूलर रेक्टाई है जो कि इनिशियल सेगमेंट बनाती है मेल जेनिटल डक्ट्स का, और दूसरा रिटी टेस्टिस है जो कि एनास्टोमोसिस नेटवर्क है इंटरकनेक्टिंग चैनल्स का। नेक्स्ट वन ये डायग्राम आप लोगों को दिखा दी हम लोगों ने, मीडियास्टाइनम टेस्टिस है ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर आप लोगों को ये ट्यूब्यूल्स नजर आ रही है नेटवर्क चैनल्स का, बेसिकली दीज आर द रिटी टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डक्टुलाई इन्फ्रंटिस की। अब रिटी टेस्टिस होती हैं वो फर्दर कॉन्टिन्यू होती हैं, यानी वो ड्रेन होती हैं बाय 15 to 20 डक्ट्यूल्स विच इमर्ज फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, 15 to 20 डक्ट्यूल्स में ये ड्रेन होंगी जो कि इमर्ज करेंगी सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस, और हाईली टॉर्चर स्पोर्ट्स लेने के बाद ये बेसिकली इनटू द हेड ऑफ एपिडर्मिस के पास करेंगे और ओपन होंगे इनटू द डक्ट ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, डायग्राम आप लोग देखो, ये रिटी टेस्टिस है सारी ट्यूब लाइक चैनल्स इसमें नजर आ रही है, उसके बाद ये कॉन्टिन्यू होंगी ड्रेन होंगी फर्दर इनटू दी डक्टुलाई इन्फ्रंटिस जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस में। ठीक है,
और ये 15-20 डक्टुलाई इफेंट के थ्रू ये ट्रेन होने के बाद ये बेसिकली ओपन होंगी इनटू द डक्ट ऑफ एपिडिडिमस एट द एरिया ऑफ हेड ऑफ द एपिडिडिमस. ठीक है, हेड ऑफ एपिडिडिमस में ये बेसिकली डक्ट ऑफ एपिडिडिमस में डक्टुलाई इफेंट की जो होगी वो ओपन होगी. अच्छा, यह हमने कर लिया इंडक्टुलाई इफ्रेंटिस को हम वेजा इफ्रेंशिया भी कहते हैं. ठीक है, ये फोर इनका नाम है. इसके बाद हाइली टॉर्चर्स होती हैं, ओपन होती हैं इनटू द डक्ट ऑफ एपिडिडिमस एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ एपिडिडिमस. एपिथीलियम की अगर हम बात करें तो सिंपल कोलमनर एपिथीलियम लाइन करेगी इसको, और सिंपल कोलमनर एपिथीलियम में हमारे पास कुछ ग्रुप्स होंगे ट्रांस कोलमनर सिलिएटेड सेल्स के. इसके अलावा ग्रुप ऑल्टरनेटिंग विद ग्रुप्स ऑफ नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स. ठीक है, सिंपल कोलमनर एपिथीलियम इसको लाइन करेगी जिसमें कुछ ग्रुप्स होंगे टॉल कोलमनर सिलिएटेड सेल्स के, और ऑल्टरनेट करेंगे विद ग्रुप्स ऑफ नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स. तो बेसिकली इन सिलिएटेड कोलमनर सेल्स नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स की जो लाइनिंग की वजह से ही बेसिकली ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये एग्जिबिट करेंगी फ्रेंटिस्टिस वीवी आउटलाइन. ठीक है, और नॉन सिंगेटेड के बॉडल सेल्स को हम इनके प्रिंसिपल सेल्स का नाम भी देते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें इन दोनों सेल्स के फंक्शन की, एक हम लोगों ने कहा कि इसके एपिथीलियम में नॉन सिंगेटेड के बॉडल सेल्स हैं जिनको हमने प्रिंसिपल सेल्स का नाम दिया, और दूसरे नंबर पे हमारे पास सिंगेटेड सेल्स हैं जो कि टॉल कोलमनर सेल्स हैं. अब हम देखते हैं इनका फंक्शन क्या है. जो नॉन सिंगेटेड के बॉडल सेल्स हैं बेटा, बेसिकली वो एब्सॉर्प्टिव होते हैं इन फंक्शन, क्योंकि इनके ऊपर ल्यूमिनल सर्फेस पे इनके माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोविलाय की वजह से इनका रोल होता है एब्जॉर्प्शन में. तो बेसिकली ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ये री एब्जॉर्ब करते हैं टेस्टिकुलर फ्लूड जो कि सर्टेन सेल्स ऑफ द टेस्टिस से थ्रू ट्यूबुलर रक्टाई और रेडी टेस्टिस के थ्रू जो है डक्टुलाई इफ्रेंटिस में आ रहा है. तो बेसिकली जो है ये टेस्टिकुलर फ्लूड जो है उसको री एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, सिलिएटेड सेल्स जो हैं ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है कि ये इनकी जो एब्जॉर्प्टिव प्रोसेस है प्रिंसिपल सेल्स का उसको फैसिलिटेट करते हैं. किस तरीके से, कि ये कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हैं ल्यूमिनल फ्लूइड को बाय देयर जो रैपिड मूवमेंट होती है उनकी सीविया के उसके थ्रू. ठीक है, सो डक्टुलाई इफ्रेंटिस हम लोगों ने पढ़ा कि लिपिड टेस्टिस जो होती है वो देन ड्रेन होती है इंटू 15-20 डक्टुलाई इफ्रेंटिस जो कि ओपन होती है आगे फर्दर इंटू द हेड ऑफ एपिडिडिमस. हाइली टॉर्चर्स फोर्स लेती है. एपिथीलियम जो होगी सिंपल कोलमनर एपिथीलियम होगी जो कि कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स ऑफ टॉल कोलमनर सिलिएटेड सेल्स एंड नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स विच आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल सेल्स. ठीक है, नॉन सिलिएटेड जो क्यूबॉइडल सेल्स होंगे जिनको हमने प्रिंसिपल सेल्स का नाम दिया, उनका बेसिक फंक्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन में है. उनकी ल्यूमिनल सर्फेस पर माइक्रोविलाय प्रेजेंट होंगे जो कि एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेंगे, और बेसिकली ये रीअब्जॉर्ब करेंगे टेस्टिकुलर फ्लूइड को जो कि स्क्रीट हो रहा था फ्रॉम द सर्टोली सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और ये जो है इसको मोस्टली जो ये फ्लूइड जो होगा उसको ये रीअब्जॉर्ब करेंगे. इसी तरीके से जो सीरिएटेड सेल्स हैं हमारे पास टॉल कोलमनर सेल्स, वो फैसिलिटेट करेंगे प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन बाय कंटीन्यूअसली स्टरिंग द ल्यूमिनल फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ देयर सीलिया. ठीक है, ये तो बेटा हो गया हमारे पास डक्टुलाई इफ्रेंटिस की सेल्स के एपिथीलियम की जो सेल्स थे उनका फंक्शन. इसके साथ साथ जो एपिथीलियम होती है डक्टुलाई इफ्रेंटिस की, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास थिन लेयर होती है स्मूथ मसल सेल्स की जो कि सर्कुलरली अरेंज होती है इसके अराउंड. बेसिकली ये स्मूथ मसल सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और जो सीलिया की मूवमेंट हो रही है जो हमने पीछे सीलिएटेड सेल्स पढ़े हैं उनकी मूवमेंट की वजह से, बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये प्रोपेल करते हैं स्पर्मेटोजोआ को जो कि टेस्टिकुलर फ्लूइड में सस्पेंडेड हुए हुए होते हैं इनटू द डक्ट ऑफ एपिडिडिमस. ठीक है, तो बेसिकली जो स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से डक्टुलाई ट्यूबुली रखता है फिर रेडी टेस्टिकल उसके बाद डक्टुलाई इफ्रेंटिस में आए हैं विद टेस्टिकुलर फ्लूइड. मोस्ट जो टेस्टिकुलर फ्लूइड होगा वो इस डक्टुलाई इफ्रेंटिस में रीअब्सॉर्ब होगा बाय जो नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स होंगे. इसके अलावा सीलिएटेड सेल्स अलॉन्ग विद दी स्मूथ मसल सेल्स जो कि सर्कुलरली अरेंज होंगे आउटसाइड दी एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डक्टुलाई इन्फ्रेंटीज, इनके साथ मिलके बेसिकली ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये प्रोपेल करेंगे स्पर्मेटोजोआ को जो कि टेस्टिकुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है टुवर्ड दी डक्ट ऑफ एपिडिडिमस. ठीक है बेटा, तो ये इसका हमने फंक्शन पढ़ लिया और साथ इसकी जो है स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लिया. ये आप लोग एक डायग्राम
लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है डक्टुलाई इन्फ्रंटीज और उसके साथ साथ कुछ डॉट्स जो हैं आप लोगों को इसमें डक्टस एपिडिडिमस की भी नज़र आ रही है। डक्टस एपिडिडिमस हम आगे डिस्कस करते हैं। ये सारी डक्ट्स जो हैं डक्टस एपिडिडिमस की, इसके साथ साथ जो हैं ये कुछ डक्ट्स जो हैं इसमें हमारे पास डक्टुलाई इन्फ्रंटीज की हैं। ठीक है, डक्टुलाई इन्फ्रंटीज में हम लोगों ने पढ़ा के उसकी जो अगर आप लोग में फ़र्क देखो तो बेसिकली जो डक्टस एपिडिडिमस होती है इसकी आउटलाइन जो है आप लोगों को जो अंदर लुमिन है वो इसका स्मूथ है। ठीक है, लुमिन की जो आउटलाइन है वो स्मूथ है। इसके मुकाबले में अगर डक्टुलाई इन्फ्रंटीज देखो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी एपिथीलियम जो है सिंपल कोलमनर एपिथीलियम है और सिंपल कोलमनर एपिथीलियम में हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप्स हैं, एक तो टॉल सीलिएटेड कोलमनर सेल्स के और नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स के, और इन्हीं ग्रुप्स के सेल्स के ग्रुप्स की वजह से बेसिकली जो इनकी आउटलाइन होगी वो वेवी कैरेक्टरिस्टिक्स वेवी अपीयरेंस देगी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो इसमें इनकी आउटलाइन जो है वो रेगुलर नहीं है बल्कि ये जगह जगह से एक रेगुलर है और ये वेवी अपीयरेंस दे रही है एज कम्पेयर टू द आउटलाइन ऑफ द डक्टस एपिडिडिमस। ठीक है, तो इन इसकी वजह से आप इन दोनों में क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, दीज आर द डक्ट ऑफ एपिडिडिमस और इनकी जो लुमिन है वो स्मूथ होगा आउटलाइन इसकी, जबकि इसके मुकाबले में जो डक्टुलाई इन्फ्रंटीज है इनके जो लुमिन की आउटलाइन है वो वेवी होगी क्योंकि इसके अंदर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं और वो टॉल कोलमनर क्यूबॉइडल सेल्स जो कि इसको वेवी अपीयरेंस जो है आउटलाइन दे रहे हैं। ठीक है, ये बेटा इसमें मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं इसके साथ साथ अगर आप लोग देखो तो इनकी डक्ट्स के बाहर ये इसके एपिथीलियम में डक्ट्स के बाहर आप लोगों को स्मूथ मसल सेल्स की लेयर नजर आएंगी जो कि सर्कुलरली अरेंज होकर इसका रहा है। बेसिकली कॉन्ट्रक्शन ऑफ दी स्मूथ मसल सेल्स क्या काम करते हैं, ये प्रोपेल करते हैं स्पर्मेटोजोआ को फ्रॉम द डक्टुलाई इन्फ्रंटीज टू द डक्टस एपिडिडिमस। ठीक है, नेक्स्ट बिकॉज डक्टस डक्टुलाई इन्फ्रंटीज जो थी वो फर्दर ओपन होती है इन टू द डक्टस एपिडिडिमस। ये तो थी बेटा हमारे पास इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स। ठीक है, क्योंकि इंट्रा टेस्टिकुलर एक्सिट्री जो डक्ट्स हैं उनके डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि इंटर टेस्टिकुलर डक्ट्स के नाम बताएं और उसकी जो है स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स में कौन कौन से डक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सट्रीटरी जेनिटल डक्ट्स। एक्सट्रीटरी जेनिटल डक्ट्स में बेटा हमारे पास एपिडिडिमस आ जाती है, वॉस डेफरेंस आ जाती है और इसके अलावा इजैकुलेटरी डक्ट्स आ जाती है। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को फॉर इजैकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास एपिडिडिमस है। सबसे पहले एपिडिडिमस का हम देखते हैं स्ट्रक्चर, ये कॉमन शेप हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एट द पोस्टर सुपीरियर सरफेस ऑफ एनी टेस्टिस। ठीक है, आप लोगों को मैंने दिखाई थी डायग्राम कि हमारे पास ये हम लोगों ने डक्टुलाई इन्फ्रंटीज तक डिस्कस कर लिए। डक्टुलाई इन्फ्रंटीज के हमने कहा था इमर्ज करी थी फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर, दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस। इसका जो सुपीरियर पार्ट है वहाँ से ये राइज कर रही है और उसके बाद ये ओपन हो जाएंगी इन टू द हेड ऑफ एपिडिडिमस। सारी की सारी एपिडिडिमस है। ठीक है, खाली कॉइल टॉर्चुअस ट्यूब होती है, ये सारी एपिडिडिमस है। एपिडिडिमस कहाँ से, बेसिकली कोमा शेप है। ठीक है, ये कोमा शेप हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ से अराइज करा होता है, फ्रॉम द पोस्टर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस। दिस वन विल बी द पोस्टर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस और इसके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसके हेड होगा, दिस वन विल बी द हेड ऑफ एपिडिडिमस, उसके बाद ये इसकी लॉन्ग बॉडी होगी और एंड पे इसकी टेल होगी। ठीक है, तीनों पार्ट्स होंगे और बेसिकली ये तीनों पार्ट्स होंगे वो हाईली कॉइल्ड और एक हाईली कॉम्प्लेक्स मैनर में जो है वो अरेंजमेंट होते हैं और बेसिकली ये सारी एक सिंगल डक्ट लाइक ट्यूब होती है, इस वजह से हम इसको डक्टस एपिडिडिमस का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स इंट्रीकेट मैनर में जो है ये बाइंड होती है अराउंड द, इसका जो हेड होता है अराउंड द बॉडी एंड टेल ऑफ द एपिडिडिमस। ठीक है, अब हम आगे इसकी डिटेल देखते हैं। एपिडिडिमस मैंने आप लोगों को दिखाई कोमा शेप बॉडी है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ओवर द पोस्टर सुपीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ग्रॉसली अगर हम देखते हैं तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, सबसे पहले हेड होगा, फिर बॉडी होगी और उसके बाद टेल होगी। ठीक है, आगे अगर हम देखें डक्टस एपिडिडिमस जो है लोकेशन दोबारा आ गई है एट द पोस्टर सुपीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस एज अ कोमा शेप बॉडी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। अच्छा, एपिडिडिमस बेटा बेसिकली कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ ए सिंगल कॉम्प्लेक्सली कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूटेड डक्ट होती है, इसलिए हम इसको डक्टस एपिडिडिमस का नाम भी देते हैं। अगर आप इसकी लेंथ देखो 6 to 7 meters लॉन्ग होती है। ठीक है, 6 to 7 meters लॉन्ग होती है और हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है और स्टार्ट होती है
इन द हेड ऑफ एपिडिडिमिस जहाँ पे रिसीव करती है बैक्टीरियल एफ्रंटीज को और बहुत कॉम्प्लेक्स मैनर में ये जो है फाइल कर लेती है अराउंड द बॉडी एंड टेल ऑफ द एपिडिडिमिस। ठीक है, कॉल्स होंगे डक्ट के अभी जो इसकी कॉल्स हैं डक्ट की, ये बेसिकली एक दूसरे के साथ जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जो है वो हेल्प टूगेदर होती है और टेल के बाद एंड टेल ऑफ द एपिडिडिमिस डक्टस एपिडिडिमिस जो होती है वो भी देन कंटिन्यू होती है इनटू द डक्टस डक्टस विदाउट एनी परमानेंट डिमार्केशन। ठीक है, अगर हम इसके सेक्शन की बात करें, ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम लेंगे तो उसमें हमें इसके न्यूमरस ऑब्लिकली और ट्रांसवर्स कट सेक्शन मिलेंगे। तो बेसिकली एक्चुअली मैम मैम जरा अपना माइक जरा ऊपर कर लें, आवाज कम आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? थोड़ा सा ऊपर कर लें। अच्छा बेटा, सही है। ओके, अब हम अगर इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो क्रॉस सेक्शन में जब हम इसका सेक्शन देखें तो ये तो उस पे हमें इसके न्यूमरस ऑब्लिक और ट्रांसवर्स कट सेक्शंस मिलेंगे। बेटा ऊपर ही अच्छा बेटा, इसमें आप लोग देखोगे जब हम इसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस लेंगे, ट्रांसवर्स कट सेक्शन जब हम लेंगे तो उसमें हमें इसके बहुत सारे जो है ऑब्लिकली और ट्रांसवर्स कट सेक्शंस मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली एक न्यूमरस कट सेक्शंस क्यों होंगे, क्योंकि ये हाईली टॉर्चर्स डक्ट है। तो जहाँ से भी आप इसको इसका कट सेक्शन लोगे तो उसमें आप लोगों को ढेर सारे इसके जो है वो ऑब्लिकली और ट्रांसवर कट सेक्शन मिलेंगे। अब कट सेक्शन को देखते हुए अब आप लोग जब देखोगे तो मैंने आप लोगों को पीछे इसका डिफरेंस दिखाया था डक्टुलाई एफ्रंटीज के साथ, कि इनके सेक्शंस में जो इसका ल्यूमेन होगा डक्ट्स का, उसका जो कंटूर होगा वो आपको स्मूथ नजर आएगा। ठीक है, हम लोगों ने पीछे डायग्राम देखी थी जिसमें डक्टुलाई एफ्रंटीज के भी कट सेक्शन थे और साथ डक्टस एपिडिडिमिस के, तो दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या था कि डक्टुलाई एफ्रंटीज जो थी उनका करैक्टरिस्टिक्स वेवी आउटलाइन आप लोगों को नजर आ रही थी और इसमें जो है आप लोगों को इसका जो ल्यूमेन का कंटूर होगा वो स्मूथ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ल्यूमेन के अंदर आप लोगों को एक और इसको पहचानने का क्या तरीका होगा कि ल्यूमेन के अंदर आप लोगों को क्लम्प्स मिलेंगे स्पर्मेटोजोआ के। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी डायग्राम देखें तो ये आप लोगों को तीन इसमें कट सेक्शन दिखाए हुए हैं ट्यूब्यूल्स के। इसमें अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले ल्यूमेन है, इसकी आप लोग अगर कंटूर देखो ल्यूमेन की जो आउटलाइन है बेसिकली वो स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ है इसमें आउटलाइन, और इसके बाद आप लोग इसका ल्यूमेन के अंदर देखो तो क्लम्प्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी लाइनिंग एपिथीलियम की बात कर लें, इसके एपिथीलियम मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, इसको एपिथीलियम को लाइन करती है सुडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम विद सीरोसीलिया। ठीक है, और सीरोसीलिया देखो आप लोगों को ल्यूमेन में इसमें क्लियरली प्रोजेक्ट हुए नजर आ रहे हैं। दीस आर दी सीरोसीलिया जो कि लॉन्ग ब्रांचिंग फाइबर्स होते हैं, हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं माइक्रोविलाई से क्योंकि ये लॉन्ग होते हैं, टफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रांचिंग फाइबर्स होते हैं, और बेसिकली इनका काम भी जो होता है वो एब्सॉर्प्शन में और सरफेस एरिया इंक्रीज करने में होता है। ठीक है, सो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम है, और सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम को आप लोग कैसे पहचानोगे, क्योंकि न्यूक्लाई आप लोगों को इधर डिफरेंट लेवल्स पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसल सेल्स होते हैं और कोलमनर सेल्स होते हैं, टॉल कोलमनर सेल्स हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एक ट्यूब्यूल के बाहर देखो तो इसमें आप लोगों को स्मूथ मसल्स की लेयर्स भी मिलेंगी, तो उसको सराउंड कर रही होती है स्मूथ मसल्स की लेयर, इसकी कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एपिथीलियम एग्जामिनेशन ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, अगर आप लोग करोगे तो उसमें आप लोगों को नजर आएगी कि डक्ट इज लाइन बाय सुपर स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम सराउंडेड बाय मस्कुलारिस। मस्कुलारिस बेसिकली क्या है, जिसमें स्मूथ मसल फाइबर जो है आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो बेसिकली उसको मस्कुलारिस का नाम दे दिया। ठीक है, एपिथीलियम में दो तरह के सेल्स होंगे, एक टॉल कोलमनर सेल्स होंगे और बेसल सेल्स होंगे। टॉल कोलमनर सेल्स को बेटा हम लोग प्रिंसिपल सेल्स का भी नाम देंगे यहाँ पर, और ये प्रिंसिपल सेल्स होंगे बेसिकली इनके ऊपर न्यूमरस सीरोसीलिया होंगे, और सीरोसीलिया का फंक्शन आप लोगों को पता है कि ये सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है, तो सीरोसीलिया आप लोगों को ल्यूमिनल सरफेस में नजर आएंगे, और ये आप लोगों को पीछे डायग्राम में ल्यूमेन पे प्रोजेक्ट में नजर आ रहे थे। बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया जो होते हैं वो इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्रिंसिपल सेल्स हैं, एब्जॉर्प्टिव एब्जॉर्प्शन में रोल है, तो बेसिकली इनका सेल्स ये सेल्स जो होंगे वो टेस्टिकुलर फ्लूइड जो कि वही टेस्टिकुलर फ्लूइड है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आ रहा है बेसिकली, तो ये टेस्टिकुलर फ्लूइड जो होंगे वो उसको डीमे करेंगे, रीअब्सॉर्ब करेंगे,
इसके अलावा जो प्रिंसिपल सेल्स होंगे वो ग्लाइकोलिपिड्स की स्क्रीन करेंगे और फेगोसाइटाइज करेंगे सेलुलर टैप्लेट्स को, ठीक है। सो मैं आप लोगों को प्रिंसिपल सेल्स का एक बात भी बता देती हूँ, जो शुरू स्टेडिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है डक्टस एपिडिडिमस की, उसको दो तरह की सेल लाइन कर रही है, एक बेसल सेल्स है एक टॉल कोलमनर सेल्स है। टॉल कोलमनर सेल्स को हम लोगों ने जो है वो प्रिंसिपल सेल्स का नाम भी दिया है। प्रिंसिपल सेल्स जो होती हैं जो एपिडिडिमस में हैं, बेसिकली इनका क्या क्या फंक्शन होता है, एक तो ये एब्जॉर्ब करते हैं टेस्टिकुलर फ्लूइड को, दूसरे नंबर पे ये जो होते हैं फेगोसाइटाइज करते हैं रिमेनिंग वेजिटेबल बॉडीज को, जो कि बेसिकली उससे रिमूव नहीं हुई सर्टोली सेल से इन द सम पैरास्टिड्यूल्स एज वेल एज कोई भी अबनॉर्मल या फिर डीजेनरेटिंग स्पॉन्ग सेल्स होंगे, इनको बेसिकली ये फेगोसाइटाइज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली ये स्क्रीट करते हैं, जो कि इनहिबिट करते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस को, या फिर आसान लफ्जों में आप लोग कह लो कि फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी जो होती है स्पर्म की, उसको बेसिकली इनहिबिट करते हैं अंटिल दे आर डिपॉजिटेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन है इसके प्रिंसिपल सेल्स के, हम आगे डिटेल में एपिडिडिमस के फंक्शन जो हैं फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ दूसरे नंबर पे जो सेल्स हैं बेसल सेल्स, बेसिकली स्मॉल सेल्स होते हैं, आप लोगों को पता है बेसल सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं लेकिन सरफेस तक नहीं पहुंचते, और ये सेल्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज ए रिजर्व सेल, रिजर्व सेल्स के तौर पर एक्ट करते हैं बेसिकली स्टेम सेल्स और फॉर द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द डक्टस डेफरेंस, ठीक है। उसके लिए ये रिजर्व सेल का काम करते हैं। मस्कुलरिस की बात करें तो हेड और बॉडी में जो है इसकी बेसिकली एपिडिडिमस का जो हेड वाला पोर्शन है और बॉडी का पोर्शन है, यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द एपिडिडिमस, उसके बाहर जो होगी सिर्फ थिन लेयर होगी स्मूथ मसल फाइबर्स की और टू टू थ्री लेयर्स इवन तकरीबन प्रेजेंट होगी स्मूथ मसल फाइबर्स की, उसको हम मस्कुलरिस का नाम दे रहे हैं। जबकि जो इसकी टेल होगी जो कि फर्दर आगे कॉन्टिन्यू होगी विद डक्टस डेफरेंस के साथ, ठीक है, उसमें बेसिकली थिक कोट होगा मस्कुलरिस का जो कि फर्दर कंटिन्यू होगा विद मस्कुलरिस ऑफ द डक्टस डेफरेंस, क्योंकि डक्टस डेफरेंस पे भी हमारे पास थिक मस्कुलरिस होता है। तो बेसिकली टेल आप लोग याद रखोगे क्योंकि टेल जो है वो फर्दर कंटिन्यू हो रही है विद द डक्टस डेफरेंस, तो दो डक्टस डेफरेंस की भी मस्कुलरिस थिक होती है, तो इसी तरीके से टेल की भी आप याद रखोगे कि इसका मसल कोट जो है यानी मस्कुलरिस जो है एपिडिडिमस का वो थिक होगा और उसमें तीन लेयर्स प्रेजेंट होंगी, और जब भी तीन लेयर्स मस्कुलरिस की प्रेजेंट होती हैं आप लोगों को मैंने बताया होगा कि जब भी तीन लेयर्स होंगी तो उसमें इनर लॉन्गिट्यूडनल होगी हमेशा मिडल सर्कुलर होगी और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी स्मॉल मसल सेल्स की, ठीक है। अब अगर हम बात करें फंक्शन एपिडिडिमस की, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका फंक्शन, आप लोगों को अक्सर आ जाते हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले बेटा फंक्शन जो है एपिडिडिमस का, अगर आप लोग फंक्शन की बात करो तो एपिडिडिमस इज दी साइट ऑफ एक्यूमुलेशन स्टोरेज एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। बेसिकली इसमें एक्यूमुलेशन भी होती है, स्टोरेज भी होती है और इसके साथ साथ फर्दर मैचुरेशन भी होती है स्पर्म की, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि सबसे पहले क्या है फंक्शन ऑफ एपिडिडिमस में, टेम्पोरेरी स्टोरेज करता है एक तो ये स्पर्मेटोजोआ की, दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्मेटोजोआ को टुवर्ड्स द डक्टस डेफरेंस, ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले किया इसने, तीसरे नंबर पे रीअब्सॉर्प्शन जो इसके प्रिंसिपल सेल्स हैं वो क्या करते हैं रीअब्सॉर्ब करते हैं टेस्टिकुलर फ्लूइड को, जो कि दैट लीव्स द टेस्टिस विद द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ के साथ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिकुलर फ्लूइड आ रहा है बेसिकली उसको ये भी रीअब्सॉर्ब करेंगे। पहली रीअब्सॉर्प्शन उसकी डक्टुलाई इन्फेंट्रीज में हो रही थी, उसके बाद फर्दर रीअब्सॉर्प्शन जो है इसकी डक्टस एपिडिडिमस में हो रही है, तो बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन को जरूरी है, इट इज एसेंशियल फॉर टू मेक द सीमेन थिक एंड वैस्कुलर, ठीक है। तो इसीलिए रीअब्जॉर्प्शन जो है टेस्टिकुलर फ्लूइड की जो कि बेसिकली सीक्रेट हो रहा था फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, पहले उसकी रीअब्सॉर्प्शन जो थी वो डक्टुलाई इन्फेंट्रीज में हुई थी और उसके बाद इसकी रीअब्सॉर्प्शन जो है नेक्स्ट जो है वो एपिडिडिमस में हो रही है, ठीक है। और ये इसके प्रिंसिपल सेल्स हैं इसकी रीअब्सॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है बेटा इसका फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जो डक्टस एपिडिडिमस है वो इसकी फर्दर मैचुरेशन में भी रोल प्ले करती है और स्पर्मेटोजोआ को मैच्योर करती है और उसको मोटाइल करती है, क्योंकि ये सेल्स जो होती हैं
मेटोजोआ जो होते हैं बेसिकली ये जब एंटर हुए होते हैं इसमें डक्टस एपिडिडिमस में तो उस वक्त ये नॉन मोटाइल होते हैं ठीक है. व्हेन स्पर्म एंटर द एपिडिडिमस दे आर नॉन मोटाइल और ये इनकैपेबल होते हैं ऑफ फर्टिलाइजिंग एंड ओसाइट ठीक है. उस वक्त ये मेच्योर नहीं हुए होते और ना ही मोटाइल होते हैं तो उस वक्त इनकी कैपेबिलिटी नहीं होती फर्टिलाइजिंग की और साथ ही ये नॉन मोटाइल होते हैं. तो उसके इवन इसके तकरीबन एक वन वीक लेटर विद इन डॉक्टर सैपोडिडिमस जो होते हैं स्पर्म जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं मोटाइलिटी. तो बेसिकली डॉक्टर सैपोडिडिमस में इनका एक डॉक्टर सैपोडिडिमस एक फंक्शन है कि इन दी डक्ट स्पर्मेटोजोआ को मैच्योर करते हैं और इनको मोटाइल करते हैं ठीक है. तो बेटा हम लोगों ने इसके फंक्शंस डिस्कस किए. इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इसमें रोल है डॉक्टर सैपोडिडिमस का. वो क्या है कि जो फ्लूइड डक्ट के अंदर प्रेजेंट है वो प्रिंसिपल हम लोगों ने पीछे बात की थी कि प्रिंसिपल सेल्स जो हैं वो एक ग्लाइको जो है वो प्रोटीन सीक्रेट करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स बेसिकली जो कि प्रिंसिपल सेल लाइनिंग ऑफ द डक्ट जो है वो सीक्रेट कर रहे हैं. ये ग्लाइको प्रोटीन से जो है बेसिकली एक्ट करती है एज ए डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स फॉर स्पर्मेटोजोआ. डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स का मतलब क्या है कि ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं बेसिकली इनहिबिट करती हैं कैपेसिटेशन को ठीक है. कैपेसिटेशन क्या प्रोसेस अगर आप लोगों को याद हो स्पर्मेटोजेनेसिस में आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपेसिटेशन क्या होती है कि जब स्पर्मेटोजोआ जो होता है उसकी जो हेड होता है उसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है उसके ऊपर ये ग्लाइको प्रोटीन जो होते हैं वो अटैच होते हैं और बेसिकली ये क्या काम करते हैं ये इनहिबिट करते हैं इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी को जब तक वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है वो पहुँच नहीं जाते ठीक है. तो विद इन द डक्टस एपिडिडिमस प्रिंसिपल सेल्स जो होंगे वो बेसिकली स्क्रीट करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स. दीज ग्लाइकोलिपिड्स जो होंगी वो थिन कोट बना देंगी ओवर द हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोआ और एक्ट करेंगी एज डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स बेसिकली टेम्पोरेरली इनहिबिट करेंगे फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ ठीक है. और जब स्पर्मेटोजोआ जो होगा वो डिपॉजिट होगा इन द फीमेल चाइल्ड ट्रैक जब ये मूव करेगा वहाँ पर तो ये डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स जो होंगे ये रिमूव हो जाएंगे बाय द एंजाइम्स प्रोड्यूस फ्रॉम द यूट्रस यू कैन ट्रीट के अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे जिसमें प्रोक्योलेटिक एंजाइम्स वगैरह होंगे. बेसिकली ये एंजाइम्स होंगे वो रिमूव करेंगे प्लीज कैपेसिटेशन फैक्टर्स या प्लीज तक की कवरिंग है और उस वक्त ये परमिट करेंगे कैपेसिटी वो उसकी फर्टिलाइजिंग की जो कैपेबिलिटी है उसको ठीक है. और इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन का नाम देते हैं. सो हम एक बार फिर देख लेते हैं फ्लूड जो होगा डक्ट में उसमें सर्टन ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी प्रिंसिपल सेल्स ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डक्ट से और ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स जो होंगे वो एक्ट करेंगे एज ए डी कैपेसिटेशन फैक्टर फॉर द स्पर्मेटोजोआ. क्या करेंगी सेल मेम्ब्रेन जो कि कवर कर रही है डॉग इस स्पर्मेटोजोआ को रिसीव्स अ थिन कोट ऑफ दिस डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स उसको एक थिन कोट बना देंगी और ये कोट जो होगा बेसिकली टेम्पोरेरली इनहिबिट करेगा फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ को. और जब स्पर्मेटोजोआ हैव बीन डिपॉजिटेड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट दिस कैपेसिटेशन फैक्टर्स आर रिमूव फ्रॉम द स्पर्मेटोजोआ बाय द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द यूट्राइन ट्यूब और इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन करा देते हैं. जब डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स जो होंगे वो हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ से रिमूव हो जाएंगे तो दिस प्रोसेस विल कॉल्ड कैपेसिटेशन ठीक है. तो बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास डॉक्टर स्टेफन्स है. डॉक्टर स्टेफन्स को हम बॉस स्टेफन्स भी कहते हैं. इसके लिए इट इज़ ए कॉन्टिन्यूशन ऑफ डॉक्टर सैपोडिडिमस टेल ऑफ जो होती है डॉक्टर सैपोडिडिमस की वो कॉन्टिन्यू होती है इन टू डॉक्टर स्टेफन्स या फिर बॉस स्टेफन्स. और बॉस स्टेफन्स आगे से टर्मिनेट होती है बाई ज्वाइनिंग द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल की जॉइन डक्ट को ज्वाइन करके टर्मिनेट होती है और वहाँ पर ये इजैक्युलेटरी डक्ट बना दी है जो कि ओपन होती है इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. हम आगे देखेंगे इसको. और जस्ट बिफोर इट्स टर्मिनेशन बॉस स्टेफन्स जो होगी उसका डायलेटेड सेगमेंट होगा जिसको हम एंटीना करा देते हैं ये भी हम आगे देखते हैं ठीक है. अब आगे अगर हम लोग देखें सक्शन की अगर हम बात करें डॉक्टर स्टेफन्स की उसको मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टेल थी एपिडिडिमस की उसका मस्कुलारिस थिक था क्यों वो थिक है क्योंकि वो आगे कंटिन्यू हो रहे हैं विद द बॉस स्टेफन्स. और बॉस स्टेफन्स का जो मेन फीचर है वो ये है कि इसका जो न्यूमेन होता है इसकी बॉल के मुकाबले में बहुत छोटा होता है ठीक है. यानी जब आप लोग इसकी जो
कट सेक्शन देखोगे तो उसमें आप लोगों को इसकी थिक मस्कुलर वॉल मिलेगी और रिलेटिवली नैरो स्टार शेप ल्यूमन मिलेगा, ठीक है। जैसा 36 फीचर है डॉक्टर स्टेफन्स का कि इसका ल्यूमन जो होगा इसकी वॉल के मुकाबले में नैरो होगा और स्मॉल होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी वॉल की बात करें तो फ्रॉम विदिन आउटवर्ड्स अंदर से बाहर की तरफ अगर हम जाएंगे तो वॉल जो भी वॉल स्टेफन्स की उसके तीन पोर्स होंगे। सबसे पहले म्यूकोसा होगा, नेक्स्ट विल बी मस्कुलरिस एंड थर्ड वन एंड द आउटर मोस्ट वन विल बी द एडवेंटिशिया। म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा जो होगा उसके लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होंगे और इन लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स की वजह से जो ल्यूमेन होगा इसका वो आप लोगों को स्टार शेप मिलेगा क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। आगे हम लोग डायग्राम में भी देखते हैं म्यूकोसा के लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होंगे, बेसिकली इन्हें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स की वजह से ल्यूमेन जो होगा आप लोगों को इसका स्टार शेप मिलेगा। एपिथीलियम की अगर बात करें तो एपिथीलियम सेम होगी एज दैट ऑफ ट्रैक्टस एपिथीलियमस यानी कि फ्लूरोस्टरेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम विद स्टीरोसीलिया और उसके साथ साथ दोनों तरह के सेल्स होंगे टॉल कोलमनर और बेसल सेल्स, ठीक है। वो बहुत सारे टॉल कोलमनर सेल्स होंगे, इनमें अक्सर के टॉल कोलमनर सेल्स के ऊपर स्टीरोसीलिया मिलेंगे उनकी फ्री सर्फेस पे, बेसल सेल्स रेस्ट करेंगे ब्रेन पे एज दैट ऑफ ट्रैक्टस एपिथीलियमस और बेसिकली एक्ट करेंगे एज अ स्टेम सेल फॉर द एपिथीलियम। लैमिना प्रोपिया की बात करें, लैमिना प्रोपिया बीनीथ एपिथीलियम प्रेजेंट होगा और उस कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा बेटा ये है इसका कट सेक्शन डक्टस एपिडिडिमस का। अब आप लोग देख सकते हो दिस वन इज द ल्यूमेन और बाकी सारी इसकी वॉल है, ठीक है। ये वॉल के ल्यूमेन के मुकाबले में इसकी वॉल जो है वो कितनी थिक है और इसमें मेन पोर्शन जो इसकी वॉल का बना रहा है दिस वन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेसिकली क्या है मस्कुलरिस, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ल्यूमेन की बात करें तो ल्यूमेन में आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल इसका इररेगुलर ल्यूमेन भी हम कह सकते हैं और इसको हम स्टार शेप ल्यूमेन भी कहते हैं। ज़्यादा जो करेक्ट टर्म हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो बेसिकली इररेगुलर ल्यूमेन होता है ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स की वजह से ल्यूमेन जो होगा इररेगुलर या फिर स्टार शेप मिलेगा, ये आप लोगों को फोल्ड्स नजर आ रहे हैं इसके। एपिथीलियम जो होगी सूडोस्टेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम विद टॉल कोलमनर एंड बेसल सेल्स और टॉल कोलमनर सेल्स होंगे वो क्लियर करेंगे सीधा जो आप लोगों को ल्यूमेन के अंदर नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद बीनीथ एपिथीलियम ये दिस वन इज द लैमिना प्रोपिया। लैमिना प्रोपिया में लूज कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे। इसके बाद आप मस्कुलरिस देखो, मस्कुलरिस के तीन लेयर्स इसमें क्लियरली डिफरेंशिएट हो रही है, इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है, इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर और उसके बाद फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है बेटा। तो मस्कुलरिस इसका थिक होता है, इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स में आप लोग यही लिखते हो कि इसका मस्कुलरिस थिक होता है एज कम्पेयर टू इट्स ल्यूमेन। और मस्कुलरिस जो होती है उसकी तीन लेयर्स होती हैं, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और मस्कुलरिस से बाहर आप लोगों को थिन लेयर मिल रही है लूज कनेक्टिव टिश्यू की विच इज नोन एज एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया कंटेन्स ब्लड वेसल्स, आर्टेरियोल और वेन्यूल्स हैं, आप लोगों को इसमें लेयर नहीं नजर आ रही, ठीक है बेटा। मस्कुलरिस वेरी थिक है, तीन लेयर्स हैं, इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर और मस्कुलरिस में भी जो सबसे थिकेस्ट लेयर होगी वो बेटा आप लोगों के पास मिडल सर्कुलर लेयर होगी, ठीक है। मिडल सर्कुलर लेयर इसमें आप लोगों को थिक मिलेगी इनर और इनर लॉन्गिट्यूडनल आउटर लॉन्गिट्यूडनल के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा एट द टाइम ऑफ इजैक्युलेशन। अच्छा मस्कुलरिस लेयर का फंक्शन क्या है बेटा, मस्कुलरिस लेयर को थिक है इसका फंक्शन क्या है कि एट द टाइम ऑफ इजैक्युलेशन स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये थिक मस्कुलरिस आफ्टर वॉल स्टेफन्स की और इनकी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बेसिकली ये प्रोपेल करती हैं स्पर्मेटोजोआ को इनटू द इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है। सो मस्कुलरिस की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो स्पर्मेटोजोआ होगा वो प्रोपेल होगा इनटू द इजैक्युलेटरी डक्ट, ये इसका फंक्शन है। एडवेंटिशिया की अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग करेगा मस्कुलरिस को थिन लेयर में भी कनेक्टिव टिश्यू की जिसमें ब्लड वेसल्स जुड़ना आप लोगों को मिलेगी। अब हम लोगों ने शुरू में जिक्र किया था एम्पुला ऑफ वॉल स्टेफन्स। एम्पुला बेसिकली क्या चीज़ है, एम्पुला जो है वो इसका वॉल स्टेफन्स का डिस्टल डायलेटेड पोर्शन है। डिस्टल एंड पे वॉल स्टेफन्स जो होता है वो डायलेटेड हो जाता है और इस पोर्शन को हम एम्पुला का नाम देते हैं, ठीक है। और एम्पुला जो है ये बाकी वॉल स्टेफन्स के मुकाबले में ये वाला पोर्शन क्यों डिफरेंट है, बेसिकली ये जो एम्पुला जो है वॉल स्टेफन्स का ये फ्रॉम डिफर्स फ्रॉम द डक्टस स्टेफन्स एंड इट्स स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ इट्स म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है इसका बाकी जो डक्टस स्टेफन्स का स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा डिफर करता है। मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलने जरा माइक करीब करके। अच्छा
बेटा एम्पुला ऑफ फर्स्ट रेफरेंस की बात कर रही हूँ मैं. एम्पुला ऑफ फर्स्ट रेफरेंस हम लोग ने पढ़ा था कि ये डिस्टल डायलेटेड सेगमेंट होता है, पार्ट होता है फर्स्ट रेफरेंस का, और ये बेसिकली डिफर करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट रेफरेंस ड्यू टू इट्स डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकोसा. ठीक है, तो इसके म्यूकोसा में बेसिकली क्या होता है कि इसका लुमेन जो होता है वो लार्ज होता है बाकी के वॉस्ट डिफरेंस के मुकाबले में. और दूसरा एम्पुला में, एम्पुला की जो जगह होती है वहाँ पर जो म्यूकोसा होता है उसमें न्यूमरस इररेगुलर ब्रांचिंग म्यूकोसल फोल्ड्स मिलेंगे आप लोगों को. ठीक है, उसमें बाकी में जो थे वो आप लोगों को म्यूकोसल फोल्ड्स मिल रहे थे लेकिन वो ब्रांचिंग नहीं थे. इसमें म्यूकोसल फोल्ड्स होंगे वो भी ज्यादा होंगे और इसके साथ साथ वो ब्रांच भी होंगे. ठीक है, तो अगर हम एम्पुला की बात करें तो एम्पुला ऑफ द वॉस्ट डिफरेंस कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ टॉल हाईली ब्रांच्ड म्यूकोसल फोल्ड्स. ठीक है, तो इसमें टॉल होंगे, हाईली ब्रांच्ड म्यूकोसल फोल्ड्स होंगे. इसके अलावा इसके मस्कुलारिस जो होगी वो भी थोड़ी सी थिन होगी देन द रेस्ट ऑफ द वॉस्ट डिफरेंस. कोलम्बर सर्स की बात करें लाइनिंग स्टेटिफाइड एक्सटीनिंग ऑफ द एम्पुला की, तो बेसिकली ये स्क्रीटरी फंक्शन को फॉर्म करते हैं. जिस तरह का फंक्शन जो थे वो प्रिंसिपल सेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल को फॉर्म करेंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, ये अब आप लोगों को एम्पुला की, एम्पुला ऑफ द वॉस्ट डिफरेंस का जो फर्स्ट सेक्शन है वो दिखाया हुआ है. इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हो इसका म्यूकोसा और जो रेस्ट ऑफ द वॉस्ट डिफरेंस मैंने आप लोगों को लुमेन दिखाया था उसमें क्लियरली इसका लुमेन भी बड़ा है और दूसरा इसके जो म्यूकोसल फोल्ड्स हैं वो भी हाईली ब्रांच किए गए हैं. ठीक है, तो म्यूकोसल फोल्ड्स ब्रांचिंग है और इसके अलावा लुमेन जो है वो इसका बड़ा है और इसकी मस्कुलारिस जो होगी वो भी बाकी के जो वॉस्ट डिफरेंस का स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में थोड़ी सी जो होगी वो थिन होगी. ठीक है बेटा, ये जो है इसके अलावा इसमें आप लोगों को डायवर्टिकुला और क्रिप्स भी मिलेंगे. ये ग्लैंडुलर डायवर्टिकुला है और क्रिप्स हैं, ये भी इसका डिफरेंस है. ठीक है, आप लोगों को मैं दूसरी डायग्राम दिखा देती हूँ. ये थी हमारे पास बाकी के वॉस्ट डिफरेंस की डायग्राम. लुमेन आप लोग देख सकते हो स्मॉल है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स है. मस्कुलारिस इसका ठीक है. इसके मुकाबले में अगर एम्पुला ऑफ द वॉस्ट डिफरेंस की बात करो लुमेन लार्ज होगा, म्यूकोसा जो होगा हाईली ब्रांच होगा, एक्सटेंसिव डायवर्टिकुला और क्रिप्स मिलेंगे. मस्कुलारिस जो होगी वो अब आप लोगों को बाकी वॉस्ट डिफरेंस के मुकाबले में जो होगी वो थिन मिलेगी. ठीक है, ये बेटा इसका जो बाकी पार्ट के मुकाबले में जो था वो डिफरेंस हम लोगों ने देखा. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन जो है वॉस्ट डिफरेंस का. पहला फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था जो इसका मस्कुलारिस होगा वो बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करेगा और उसकी प्रोपेल करेगा स्पर्मेटोजोआ को टुवर्ड्स द इजेकुलेटरी ट्रैक. ठीक है, एक तो ये इसका फंक्शन है. प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसको ट्रांसपोर्ट स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द डक्ट ऑफ एपिडिडिमस टू द इजेकुलेटरी ट्रैक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इजेकुलेशन. और इस प्रोसेस के दौरान बेसिकली मेन क्या होता है कि स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं वॉस्ट डिफरेंस के वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पुश करते हैं स्पर्मेटोजोआ को. इसके साथ साथ जो टेस्टिकुलर फ्लूइड उसके साथ साथ आ रहा है उसको भी पुश करते हैं थ्रू द इजेकुलेटरी डक्ट. ठीक है, इसके अलावा स्टीगोसीलिया जो कोलम्बर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेंगे. अब ये थर्ड जगह पर एब्जॉर्प्शन हो रही है सेमिनल फ्लूइड की, जो कि कहाँ से आ रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से. अब ये तीसरी लोकेशन है जहाँ पर जो कोलम्बर सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर. वाटर को फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑल्सो ऑकर्स इन द डक्टल डिफरेंस टू मेक द सीमन मोर विस्कस. ठीक है, बेसिकली ये वही वाला टेस्टिकुलर फ्लूइड है जिसके जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्कुलरी सेल्स से सीक्रेट हो रहा था, जिसकी सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई थी. री एब्जॉर्प्शन इन द डक्टुलाई इन्फ्रंटीज, डक्टुलाई इन्फ्रंटीज के बाद जो डक्टस एपिडिडिमस के प्रिंसिपल सेल्स से उन्होंने फर्दर वाटर को रीअब्जॉर्ब किया फ्रॉम दिस सेमिनल फ्लूइड. और उसके बाद अब डक्टस प्रैक्टस में भी फर्दर एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की फ्रॉम द सेमिनल फ्लूइड. और बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है, टू मेक द सीमन मोर विस्कस. ठीक है, ये तो बेटा हम लोगों ने बात कर ली वॉस डक्टस की. जो नेक्स्ट हम लोगों का लास्ट पार्ट है मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम का, उसमें हम लोग बात करेंगे इजेकुलेटरी डक्ट की. ठीक है, एजेकुलेटरी डक्ट कहाँ से आती है, जब वॉस डिफरेंस जो होती है वो टर्मिनेट होती है एट एस टर्मिनेशन ईच डक्टस डिफरेंस जो होगी, दोनों साइड की जो डक्टस डिफरेंस होगी वो ज्वाइन करेंगी डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल ऑफ इट्स ओन साइड. ठीक है, अपने अपने साइड की जो सेमिनल वेसिकल्स की जो डक्ट होंगी उनको ज्वाइन करेंगी और उनके यूनियन से, दोनों डक्ट्स की यूनियन से, यानी कि डक्ट्स ऑफ डक्टस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट्स हैं उनकी यूनियन से जो है दो ये इजेकुलेटरी डक्ट जो है बेसिकली बनेगी. और ये इजेकुलेटरी डक्ट जो होगी वो पियर्स करेगी प्रोस्टेट ग्लैंड को और फिर ओपन होगी इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेट्रा. ठीक है, और इजेकुलेटरी डक्ट बेसिकली एपिथेलियम कौन सी होती है, स्टेरिफाइड कोलमनर एपिथेलियम. दिस डायग्राम शोज द फॉर्मेशन ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट. दीज आर द वॉस्ट डिफरेंस
वॉस डिफरेंस का हमने पढ़ा था, डिस्टल पार्ट जो होगा वो डायलेटेड होगा, जिसको हमने एम्बुला का नाम दिया था एट इट्स टर्मिनेशन, जहाँ पे वॉस डिफरेंस टर्मिनेट हो रही है, ये सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट के साथ मिलेगी दोनों साइडों पे, और दोनों साइडों पे क्या बना देगी इजैक्युलेटरी डक्ट। इजैक्युलेटरी डक्ट देन क्लियर करेगी यूरेथ्रा को, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को, जो कि बेसिकली पास करा होगा थ्रू द प्रोस्टेट, जो यूरेथ्रा का पार्ट जो होगा प्रोस्टेट से पास करा होगा उसको हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का नाम देंगे। बेसिकली ये इजैक्युलेटरी डक्ट जो होंगी वो क्लियर करेंगी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को, और उसके बाद फिर ये ओपन होंगे इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ओके अच्छा बेटा, ये तो थी मेल जेनिटल डक्ट्स, और मेल जेनिटल डक्ट्स हम लोगों ने सारी आज डिस्कस करनी है, और बेसिकली ये टेबल जो है ये आप लोगों को इसकी समरी जो है वो दिखा रहा है कि मेल जेनिटल डक्ट्स में कौन कौन से डक्ट्स हैं, और उसके बाद जो है उनकी लोकेशन, एपिथेलियम, स्पोर्टिंग टिश्यू और फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्विक रिवीजन के लिए बेटा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों की जो जिन पायरा में भी बना हुए हैं अगर आप लोग वहाँ से देख लो, नहीं तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। इसमें हम सारी ड्रग्स जो हैं उसकी समरी हम एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले सेमी पैरिस ट्यूब्यूल्स हैं, कहाँ पे थी, हुए लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट थी, पर्टिकुलर लोब्यूल्स में। एपिथेलियम इसमें दो तरह की सेल्स थे, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और सैटोलिक सेल्स। इसके बाद मेजर इनकी जो स्पॉटिंग थी वो कहाँ से आ रही थी, मायोइड एम्ब्रियोस से। मायोइड सेल्स बेसिकली फ्लैट स्मूथ पसल सेल्स थे जो कि आउटसाइड था सेमी पैरिस ट्यूब्यूल्स जो कि वो प्रेजेंट थे, और इनका मेन फंक्शन था कि ये स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स जो कि कॉन्टेमिनेशन होती है ट्यूबुलरी रेक्टाई, हम ट्यूबुलरी रेक्टाई भी कहते हैं, बेसिकली कॉन्टेमिनेशन होती है डिस्टल एंड ऑफ द सेमी पैरिस ट्यूब्यूल की, जो स्टाइनम टेस्टिस की पैरिफ्री में प्रेजेंट होती है, और सैटोलिक सेल्स जिसके प्रॉक्सिमल पार्ट को लाइन करते हैं जबकि डिस्टल पार्ट को जो है वो सिंगल टू बॉडी एपिथेलियम लाइन करती है। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करता है, और इनका काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म इनटू द रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस हम लोगों ने पढ़ा था मीडियल स्टाइनम टेस्टिस में पड़ी होती है, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस में एक कनेक्टिव टिश्यू है, और इसको लाइन करेंगे सिंपल टू बॉडी एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू इनके बाहर होगा, और बेसिकली ये भी जो है वो स्पर्म्स को चैनल्स करेंगे फ्रॉम ऑल द सेमी पैरिस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट जो होंगे रेटी टेस्टिस ड्रेन होगी इनटू द एफरेंट ट्यूब्यूल्स, ये बेसिकली रेटी टेस्टिस से टू द हेड ऑफ एपिडिडिमस तक इनकी लोकेशन होती है, और एट द सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिव पैचेस होते हैं सिंपल की बॉर्डर नॉन सीलिएटेड सेल्स के और कोलमनस सीलिएटेड सेल्स के, जो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स के भी आउटलाइन देते हैं इन द कट सेक्शन में आप लोगों को नजर आती है। और सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स की इनके बाहर जो होती है इसकी साउंड करी होती है, इस तरह पे आके एक तो ये टेस्टिकुलर फ्लूइड को रिएब्सॉर्ब करते हैं, और दूसरा कन्वे करते हैं स्पर्म को इनटू द एपिडिडिमस। नेक्स्ट जो होंगी ये ड्रेन कंटिन्यू होंगी इनटू द एजेक्युलेटरी डक्ट, सॉरी एपिडिडिमल डक्ट में। एपिडिडिमस के हम लोगों ने तीन पार्ट्स पढ़े थे, हेड बॉडी एंड ट्रेन होगी, और एपिथेलियम शुड बी सैटिस्फाइड कोलमनर विद स्मॉल बेसल एंड टॉल कोलमनर सेल्स, जिनको सीलिया प्रेजेंट होंगे। सर्कुलर स्मूथ मसल सेल्स इनिशियली होंगे इनके जो हेड और बॉडी होगी उनके बाहर सर्कुलर स्मूथ मसल सेल्स की लेयर होगी, जबकि टेल के बाहर हमारे पास तीन लेयर्स मिलेंगे, इनर मिडल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होंगी वो टेल के बाहर होगी जो उसको सपोर्ट करी होगी। यहाँ पे बेसिकली एपिडिडिमस में यहाँ पे इसकी स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और मैचुरेशन होती है, और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वॉस डिफरेंस होगी, एपिडिडिमस जो होगी वो कॉन्टिन्यू होगी तो वॉस डिफरेंस में एक्सटेंड करेगी फ्रॉम द एपिडिडिमस टू द एजेकुलेटरी डक्ट इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, टर्मिनेट होगी बाय फॉर्मिंग एजेकुलेटरी डक्ट्स, शुगर सर्टिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, और इसमें इनके मुकाबले में कम सीलिया प्रेजेंट होगी। ठीक है, फाइब्रो इलास्टिक लैमिना पॉपिया होगा क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे और लॉन्गिट्यूड कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा थिक लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स की कैरीज करेंगे स्पर्म को बाय रैपिड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ दिस मस्कुलारिस, और ये एपिडिडिमस से स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द इजेकुलेटरी डक्ट। लास्ट जो पार्ट है मेल जेनिटल डक्ट्स का वो इजेकुलेटरी डक्ट्स है, और प्रोस्टेट के अंदर ओपन होती हैं, फॉर्म्ड होती हैं बाय द यूनियन ऑफ रेक्टस कैपरेंस एंड डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। सीरो स्टेटिफाइड और सिंपल कोलमनर एपिथेलियम लाइन करेंगे। फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यू और स्मूथ मसल सेल्स होंगे प्रोस्टेट स्ट्रोमा के इसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ओपन हो रही है। उसके बाद ये जो होगी
बेसिकली ejaculatory ducts में क्या होगा कि मिक्स करेंगे स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड को और डिलीवर करेंगे सीमन टू यूरेट्रा, ठीक है, जहाँ पे प्रोस्टेट की सॉल्यूशंस होंगे इसके अंदर ऐड होंगे। ठीक है बेटा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जस्ट इसको पढ़ के भी आप सारा जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, अपनी सारी जो ड्रग्स मिल जनरल ड्रग्स जो है वो हमने जो पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल एप्लीकेशंस हैं जो अब तक आप सब जो टॉपिक्स पढ़ चुके हों, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इसके साथ साथ जो आज हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस हैं वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं लास्ट 5 मिनट्स में। इसमें सबसे पहले हाइड्रोसील है। हाइड्रोसील बेटा क्या होती है कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होती है सीरस फ्लूइड की इन वन और बोथ साइड्स ऑफ द स्क्रोटल सैक में, बेसिकली स्क्रोटम में ये स्वेलिंग हो जाती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्वेलिंग इन स्क्रोटम, और ये होती कब है कि व्हेन फ्लूइड ब्लड हो जाएगा इन द थिन शीट में जो कि सराउंड कर रही होगी टेस्टिस को, ठीक है, उसके अंदर जब फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा तो स्क्रोटम की ये स्वेलिंग हो जाएगी। कॉमनली प्रेजेंट होती है न्यूनेट्स में और विद इन आफ्टर 1 ईयर जो है वो खुद ही जो है रिजॉल्व हो जाती है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर एडल्ट्स में यह होगी कंडीशन तो बेसिकली ये मोस्ट कॉमन कॉजेस की क्या होगी, इंजरी होगी या फिर कोई इंफ्लेमेशन होगी। ठीक है, हाइड्रोसिल इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्रोटल स्वेलिंग इन कंडीशन, ये कंडीशन जो होती है वो एडल्ट्स में अगर होती है किसी वजह से तो वो इजीली करेक्ट हो सकती है सर्जिकली। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन बेटा क्रिप्टोकाइडिज्म है। क्रिप्टोकाइडिज्म बेसिकली इज अ ग्रीक वर्ड, क्रिप्टोस का मतलब हिडन होता है और ऑर्काइज का मतलब टेस्टिस होता है, तो इसको हम हिडन टेस्टिस का परिणाम देते हैं, यानी कि क्रिप्टोकाइडिज्म बेसिकली इज द एब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस। ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस, तो इसमें क्या होता है कि फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमेन। ठीक है, एक या दोनों टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं करती एब्डोमेन से स्क्रोटम में, और ये बेसिकली कॉमन ब्लड डिफेक्ट है मेल जेनिटल ट्रैक्ट का। और क्रिप्टोकाइडिज्म है क्या, इज द एब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस फ्रॉम द स्क्रोटम। ठीक है, और अबाउट 4% ऑफ द मेल न्यूनेट्स में ये कंडीशन होती है, और लेकिन बहुत सारों में ये जो है विद इन फर्स्ट ईयर जो है ये टेस्टिस जो होती है वो स्क्रोटम के अंदर आ जाती है। ठीक है, बायलेटरल अगर क्रिप्टोकाइडिज्म होगा यानी बायलेटरल फेलियर होगी टेस्टिस की टू डिसेंड, तो ये इनफर्टिलिटी कॉज करेगी अगर सर्जिकली इसको ट्रीट नहीं किया गया विद इन 2 to 3 years ऑफ एज। ठीक है, तो ये मेन कॉज होती है इनफर्टिलिटी की। नेक्स्ट बेटा टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हमारे पास इंटरस्टीशियल सेल ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, सर्टेनली सेल ट्यूमर भी हो सकते हैं, इसके अलावा जर्म सेल ट्यूमर भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इंटरस्टीशियल और सर्टेनली सेल ट्यूमर्स जो होते हैं वो रेयर होते हैं, इसके मुकाबले में जो जर्म सेल ट्यूमर होते हैं वो 95% जो टेस्टिकुलर कैंसर होते हैं वो बेसिकली जर्म सेल ट्यूमर ही होते हैं। ठीक है, और ये आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ही जो है ये अपेयर होते हैं, और बेसिकली किन लोगों में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके डेवलप होने के विद अनट्रीटेड क्रिप्टोकाइडिज्म। ठीक है, जिनके अंदर क्रिप्टोकाइडिज्म का जो मसला है वो अनट्रीटेड रहा हो तो उन मेंस में उनका मोर चांस होता है कि डेवलप टेस्टिकुलर कैंसर, और उसमें भी मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो जर्म सेल ट्यूमर होते हैं। ठीक है, अब एक और कंडीशन होती है जिसमें सीमन क्वालिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, और मोस्टली ये जो कंडीशन होती है ये इडियोपैथिक होती है, यानी इसकी कॉज जो होती है वो अननोन होती है, और बेसिकली ये मेजर कॉज होती है मेल इनफर्टिलिटी की। ठीक है, कि सीमन क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब कॉमन फीचर्स क्या हैं कि पुअर सीमन क्वालिटी के थ्रू ये मेजर कॉज है मेल इनफर्टिलिटी की, क्या क्या इसके फीचर्स है कि एक तो इसमें हो सकता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि सम काउंट वो जो है स्पर्म जो प्रोड्यूसर है वो ही कम प्रोड्यूसर है, लेकिन नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है वो कम है, उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। एक तो ये इसकी सीमन क्वालिटी में रोल प्ले करते हैं, दूसरे नंबर पे स्पर्म सेल डेंसिटी जो है वो लेस है, तीसरे नंबर पे अबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कोई अबनॉर्मल हो गया। ठीक है, इसके अलावा स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो इम्पेयरमेंट हो गई है ड्यू टू द फ्लैजेलर डिफेक्ट्स। ठीक है, फ्लैजेलर डिफेक्ट दैट इम्पेयर स्पर्म मोटिलिटी, इन सारी कंडीशंस की वजह से जो है वो सीमन क्वालिटी जो होती है उस पर इफेक्ट हो सकता है, और बेसिकली मोस्टली ये जो सीमन क्वालिटी होती है डिक्रीज में इडियोपैथिक होती है, लेकिन में कुछ फीचर्स हो सकते हैं जिसकी ये सारी कंडीशन हो सकती हैं, और ये वन ऑफ द मेजर कॉज है मेन इनफर्टिलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट एक और कंडीशन है बेटा ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस बेसिकली हम कहते हैं इट इज़ दी
इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, और कॉज पर अगर बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मम्स अगर वायरस जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन कॉज करता है टेस्टिस की, ठीक है. और काइटिस क्या है, इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, और ये फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व करती है डक्ट्स को कनेक्टिंग दिस ऑर्गन टू द एपिडर्मिस, ठीक है. ओवन फॉर्म्स होती हैं ऑर्काइटिस की, वो प्रोड्यूस होती हैं बाय इन्फेक्टिव एजेंट्स, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस होते हैं, हो सकते हैं. इसके अलावा सेकेंडरी में कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं ये ऑर्काइटिस, ठीक है, यूटीआई की वजह से भी हो सकती है, या फिर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड पैथोजन जिसमें क्लैमाइडिया और नाइसीरिया गोनोरी जो होते हैं ये भी टेस्टिस के अंदर एंटर हो जाते हैं थ्रू द एपिडर्मिस या फिर इन्फेक्टिस के थ्रू. बेसिकली ये भी जो है ये सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं ऑर्काइटिस का, ठीक है. नेक्स्ट वन बेटा एक्यूट एपिडर्मिटिस. एक्यूट एपिडर्मिटिस क्या है, इट इज रिजल्ट ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, बेसिकली इन्फ्लेमेशन है एपिडर्मिस की. ये भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि गोनोरिया या क्लैमाइडिया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. इसकी वजह से इंट्रास्कॉटल पेन और टेंडरनेस होगी, स्कॉटम में पेन और टेंडरनेस होगी, ठीक है. परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन अगर एपिडर्मिस की रहेगी इन्फेक्शन की वजह से, तो बेसिकली क्या होगा कि मैसिव इन्वेजन होगी ल्यूकोसाइट्स की इन्फेक्टेड डक्ट की, जिसकी वजह से क्या होगी वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगी. तो फाइब्रोसिस होने की वजह से एपिडर्मिस जो होगी वो ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकती है, और बेसिकली ये भी एक कॉमन कॉज है मेल इनफर्टिलिटी का. हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकेंडरली जो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्काइटिस जो है सेकेंडरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड पैथोजन क्लैमाइडिया या गोनोरिया की वजह से भी हो सकता है. तो बेसिकली ये वही सेक्शुअली ट्रांसमिटेड पैथोजेंस है. अगर ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहेगा तो परसिस्टेंट मैसिव इन्वेजन होती रहेगी ल्यूकोसाइट्स की इनटू द डक्टस एपिडर्मिस, और इसकी वजह से वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगी. फाइब्रोसिस होगी तो ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे एपिडर्मिस को, और मेल इनफर्टिलिटी जो होंगे वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है. द लास्ट वन इज दी विजेक्टमी. विजेक्टमी बेसिकली इज ए कॉमन सर्जिकल मैथड है मेल कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है. मेल कॉन्ट्रासेप्शन का एक मैथड है विजेक्टमी. इसमें क्या होता है कि जो वॉस डेफरेंस होते हैं उसकी जो ड्रग्स होती हैं उनको अपनी जो है वो उनके जो एंड्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है. इन दिस प्रोसीजर अ वेरी स्मॉल इंसिजन इज मेड थ्रू द स्कॉटल स्किन. स्कॉटल से आप इंसिजन देंगे और जो नियर द टू डक्ट्स और उसकी जो वॉस डेफरेंस होती है उसकी जो दोनों एंड्स होते हैं उसको कट करेंगे और उसको जो है कॉटराइज करके टाइट कर देंगे, ठीक है. या फिर दोनों एंड्स को आप टाइट कर देते हैं, या फिर एक एंड जो एब्डोमिन की तरफ होता है उसको टाइट कर वो उसको जो है वो टाइट कर देते हैं, ठीक है. तो बेसिकली कॉमन सर्जिकल मैथड है मेल कॉन्ट्रासेप्शन का. वैसेक्टमी जब हो जाती है तो उसके बाद भी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और या फिर मैक्रोफेजिस के थ्रू रिमूव हो जाते हैं इन द एपिडर्मिस, ठीक है. और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी और अदर चेंजेस जो होती है म्यूकोसा ऑफ द एपिडर्मिस में हो सकती हैं. सीरियस एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वैसेक्टमी के वो मिनिमल होती है. इसके अलावा अगर वैसेक्टमी जो होती है वो रिवर्स भी हो सकती है सर्जिकली, अगर आप उसके दोनों जो एंड उसको रिकनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो होंगे फर्टिलिटी के चांस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है. जो हाउएवर इवन सक्सेसफुल सर्जरी वेरी ऑफन फेल्स टू रिस्टोर फर्टिलिटी ड्यू टू इनकम्प्लीट स्पर्म मैच्योरेशन इन द एपिडर्मिस चेंज बाय पोस्ट वैसेक्टमी, ठीक है बेटा. तो ये आज बेटा आज आप लोगों के टॉपिक्स इंशाल्लाह आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेसरी जो ग्लैंड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. ओके अल्लाह हाफिज़.